रिश्ता करेंगे रिश्ता रिश्ता पकड़ के खींचेंगे हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग कैसे हैं सब आप सब अच्छे होंगे सेफ होंगे मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है तो मैं अभी जा रही हूँ डॉक्टर के आशीष आ रहे हैं क्योंकि आशीष पास में ही थे तुषार जिम गया हुआ है पापा ऑफिस है तो अभी जाना ज़रूरी है फिर ज़्यादा लेट हो जाएंगे तब तक पापा आएंगे गाड़ी लेके तो आशीष पास में ही थे तो मैंने बुला लिया आशीष को तो यहीं पास में एक डेंटिस्ट है तो दिखा के आती हूँ वो क्या बताते हैं तो ज़्यादा बोला नहीं जा रहा मतलब सटकने में भी प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा तो अभी आशीष आने वाले हैं 5-10 मिनट्स में तो मिलती हूँ डॉक्टर के जाके बताती हूँ कि क्या बोला डॉक्टर ने तो ज़्यादा बोला नहीं जा रहा तो बाय 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 तो गाइस आशीष आ गए हैं बाहर मैं अभी जाने लगी हूँ आशीष का आप आ गए तो गाइस आशीष आ गए हैं मेरे को डॉक्टर के लिए जाने जो यहाँ पे था वो मिला नहीं अब जहाँ पर आशीष ने अपनी जाड़ का ट्रीटमेंट करवाया था हमारे काम का डॉक्टर है बढ़िया डॉक्टर है तो उस पे लेके जाने लग रहे हैं मैं उनको सुबह चल पड़ेंगे सुबह ही वो बैठ जाएगा इतनी दूर वो जो भी सेक्टर में है अरे सब दर्द होगा वो चीज ना दिखती कितने यार आते दिखवा ले मैं दवाई ले लेती ना घर जाके दवाई ले लग रही दो तीन दिन आते दो और ले लूं एक रात का एक तो बिना तो चल पहला देख लेंगे कि है कि ना एक्सरे करवा लेंगे एक्सरे तो करेगा वो चलो गाइस देखते क्या बताते हैं डॉक्टर आशीष जबरदस्ती लेके तो जाने लग रहे हैं मैंने जाना पड़ेगा आशीष मोटा हो गया ना बेड रेस्ट करके खाना ना खाया आज सब पतले होने लग रहे हैं आप उल्टा मोटे होने लग रहे हैं उन्होंने पतला है ठीक है तो बाल किसे हो गए मेरे चंपू से अलग अलग छोटे अच्छे लग गए बाल ठीक है शेव शूट करा के मस्त तो गाइस मिलते हैं डॉक्टर के पास ओके बाय तो गाइस आए हैं ब्लू शाइन डेंटल क्लिनिक और मेरी चप्पल भी निकल गई हाँ दिखा तो दिया ब्लू शाइन चप्पल और निकल गई चल ये अपना फैमिली डॉक्टर है डर लग गया मैंने तो कदे आज ही मेरा ऑपरेशन कर दे चलो देखते हैं गाइस सिग्नेचर बनने करने से आशीष ने कर दिया पता भी कौन ही क्या लिखा है उल्टा साइन हमारा आशीष आप भी कितने क्यूट हो साइन होना चाहिए हमारा दिया कुछ हो करता मतलब साफ सुथरा था देख कितना कीचड़ मचा दिया इनके यहाँ के सॉक्स भी ना पहनती नोनू आप सर्दी में देखना या चोट दुख की ना देख पेट देख रेस्ट कर कर मैं तो प्लॉट बना रहा था मट्टी के बाद एक कदम बाज गया जो की कर देख मैट गंदा कर दिया मेरी चप्पल कीचड़ में नहीं होगी थी बार मेरी भी हो गई थी मैं खेत में वो गियर में थोड़ा काम करूँगा थोड़ा गाइस अंदर से देखो क्लिनिक है तो अच्छा बाकी डॉक्टर देख कर बताऊंगे कि के मन तो बॉर्डर लग के दाता के दर्द थे मतलब दर्द तो सारे बेकार है मतलब बच्चा होने के तले का हर चीज़ का दर्द बेकार है लेकिन जो चीज़ हो रही है ना उस तो सह नहीं हो रही है बिल्कुल ऐसा हो रहा है खोड़ कर फेंक दूँ इसने जाड़ में तो देखो आज डॉक्टर क्या बताऊँगे वो जगह ठीक है आशीष ने भी यहीं तक अपना ट्रीटमेंट कराया था तो मैं भी यहीं तक करा लूँ ठीक है देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर रिश्ता करेंगे रिश्ता रिश्ता पकड़ के खींचेंगे पूछ ले पीछे सही में मजाक सोच रही है इतना तू जेबरा इन्ना देखेगी ना कि है वो जिराफ नर इन्ना इतना तेरी जड़ पाड़ देंगे बंदर बंदर आने तो भाई डॉक्टर साहब आ गए हैं और डॉक्टर साहब का क्लिनिक है सेक्टर 24 में सर्दी वर्दी बहुत लग रही है तो पाव पाव उड़ के रखा हुआ है बिल्कुल अच्छा ये बताओ चीफ कंप्लेंट व्हाट्स द प्रॉब्लम विजडम टीथ आधी बाहर निकली हुई है आधा भी अंदर चेटी है पहले नीचे वाली या ऊपर वाली नीचे वाली तले में ही है
तीन मेन चीफ कंप्लेंट क्या है इसमें, तो पेन होता है, पेन है बहुत ज्यादा। अच्छा, कब से शुरू हुआ? कल से हो रखा है। कोई मेडिसिन वगैरह? कैट्रोल डीटी लेके काम चल रहा है, बस 2 घंटे आराम होता है फिर आराम से जितना खोल पा रहे उतना खोल। सूरज जी ये एक्स्ट्रा ले लो। पेन तो नीचे है लेकिन जो मेन प्रॉब्लम कर रही है ना वो ऊपर वाली दाढ़ है, दोनों टेढ़ी है। जब आप मुंह बंद करते हैं तो ऊपर की दाढ़ नीचे की मसूड़े पे लगती है। मैं फोटो लेके दिखाता हूँ। तो साइट ऑफ इंपैक्ट नीचे है बट जो कॉजिंग जिससे पेन हो रहा है वो फैक्टर वो दांत ऊपर है, और चूंकि हमें पेन नीचे की तरफ ना तो लग ऐसा रहा कि नीचे वाली दाढ़ ही है। हालांकि आगे जाके कभी ना कभी वो भी निकालनी पड़ सकती है। एक डॉक्टर ने तो वो बता दिया था ऑपरेशन। नहीं एक्चुअली नीचे की दाढ़ अगर कभी निकालनी पड़े ना तो कट के ही निकलेगी क्योंकि वो बिल्कुल टेढ़ी है ना अंदर इसके हड्डी के अंदर है। बट अभी इनको प्रॉब्लम जो है ना ऊपर के दांत की वजह से है। भैया यहाँ पर होगा एक्सरे, उसके बाद पता चलेगा भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो दिस इज योर लोअर टू, ये हमारी नीचे वाली अकल दाढ़ है ठीक। अब ये एक पार्ट ही निकला होगा इसका, बाकी हड्डी के अंदर है ठीक। ये उससे वाली पहले वाली दांत है। अब देखो ये जो आजू बाजू का मसूड़ा है ये थोड़ा फूला हुआ वाइट हो रखा है। क्यों हो रखा है? जो हमारी ऊपर वाली अकल दाढ़ है वो थोड़ा गाल की तरफ है, यानी कि जब आप मूवमेंट करते हो तो जो ऊपर वाली अकल दाढ़ का ये एरिया है वो यहाँ पे लगता है हाथ पे। उस वजह से क्या हुआ ये मसूड़ा नीचे और ऊपर वाले दांत के बीच में बार बार आके कट रहा है। ये इस अकल दाढ़ का एक सिरा नीचे इस पे मसूड़े के ऊपर लगता है। देखो आगे के दांत तो एक दूसरे के ऊपर टिक जाते हैं जब मुंह बंद होता है, क्योंकि यहाँ वाला दांत नीचे की तरफ है वो ऊपर ऊपर की साइड पे आया हुआ नहीं है, और ऊपर का दांत पूरी तरह से रप्टेड अकल दाढ़ और नीचे वाले अकल दाढ़ आई नहीं। तो क्या हो रहा है जब आप मुंह बंद करते हो तो ऊपर की अकल दाढ़ नीचे वाले दांत पे ना लग के मसूड़े के ऊपर लग। तो इसमें निकलेगा तो विजडम टूथ लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है वो आपकी ऊपर वाली अकल दाढ़ निकालने से खत्म हो जाएगी ठीक है। इसीलिए ये तेरा कल आई है ना दीक्षु वाली पूरी आ रखी है। हां तो वाली प्रॉपर ले रखे थे लेकिन टेढ़ी है बस 50, मतलब इसका मतलब ये 50% आई है कल तेरे। आ जाओ सूरज जी एक रे चला। मुझे सही हो जाता था एक दो दिन में, अब की बार हो ही नहीं रहा, 2 घंटे बंद रहता है फिर हो जाता है। एक्चुअली क्या ना कि मसूड़ा फूल गया ना नीचे। लो ही हो गया एक्सरे। नहीं पेन इससे पहले कि मैं एक्सरे समझाऊं मैं आपको 2-4 चीजें दिखाऊंगा सो दैट आप एक्सरे को समझ पाओ। अब विजडम टूथ क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इस तरह से होता है, खासकर नीचे वाला। देखो पहली दांत ठीक निकल जाती है, दूसरी ठीक निकल गई, लेकिन जो तीसरे वाली है वो ऐसे टेढ़ी होकर लेटी रहती है। उससे क्या होता है ये पूरी तरह से इरप्ट तो हो नहीं पा रही, लेकिन जो मसूड़ा है उसको ऊपर की तरफ उठा देती है। अब मसूड़ा ऊपर की तरफ उठ गया, दांत तो नीचे ही है। अब होगा क्या, मान लो सपोज करो किस बंदे की ऊपर वाली जो अकल दाढ़ है वो पूरी तरह से इरप्टेड है ऐसे। अब बाकी दांत तो एक दूसरे पर टिक जाते हैं लेकिन वो जो अकल दाढ़ है यहाँ वाली वो यहाँ पे आएगी। अब चूंकि मसूड़ा ऊपर की तरफ उठ गया है तो उस मसूड़े के ऊपर वो लगती है ऐसे बार बार जाके। अब कोई सॉफ्ट टिश्यू है मसूड़ा, नीचे के दांत और ऊपर वाले दांत के बीच में बार बार वो कट रहा है तो ऑब्वियसली वो फूल जाएगा। फूल जाएगा तो इट विल क्रिएट पेन। ये देख रहे हो है ना टेढ़ा ठीक, और ये बाजू वाला दांत है। अब इस वजह से चूंकि ये टेढ़ा है और यहाँ जो है ना बार बार खाना वाना कुछ कुछ जाके ये वाला जो दांत है ना बाजू वाला इसमें भी कैविटी हो गई है। देख रहे हो ब्लैक ब्लैक, दिस इज कैविटी। और जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये नस है और ये कैविटी नस के बहुत पास है। लकीली आपको पेन नहीं आएगी ठीक। इस दांत में हाई चांसेस है वी मे हैव टू डू RCT जो नस का इलाज होता है ना, फिर कैप लगाते हैं तो इसमें वो होगा। बट चूंकि जो है ना ये दांत जब तक रहेगा ये कैविटी बढ़ती रहेगी यहाँ पे, आपकी जो अभी समस्या है वो खाली ऊपर का दांत निकालने से ठीक हो जाएगी,
लेकिन चूंकि ये नीचे वाला दांत आगे के दांत को खराब कर रहा है, तो बेटर है कि जब अगर हम निकाल ही रहे हैं तो ऊपर वाले दांत के साथ साथ इसको भी निकाल दें, ठीक है। खाली नीचे वाला निकलने से काम नहीं चलेगा, खाली नीचे वाला निकलने से इसलिए काम नहीं चलेगा क्योंकि ऊपर वाला जो है ना ऑलरेडी नीचे की तरफ आया हुआ है, वो और नीचे आएगा और जो है तब तक नीचे आता रहेगा जब तक वो नीचे वाले मसूड़े को हिट ना करने लग जाए। द ओनली थिंग इज दैट यू आर लकी कि आपको इस दांत में पेन नहीं लगेगा, वरना टूथ पेन इज वेरी सीवियर, इनसे पूछो, ठीक है। तो इसमें बेस्ट ये रहेगा कि जो ऊपर का दांत तो निकालना ही है, सेम टाइम वी कैन रिमूव दिस टूथ होल। करेंगे इसमें हल्का सा जैसे मसूड़े को थोड़ा सा एक्स्ट्रा हटा के जो हड्डी होती है ना दांत के आजू बाजू में उसको थोड़ा सा ट्रिम करेंगे ताकि जगह बन जाए, जगह बन के फिर उसको लग्जेट करके ऊपर ले आते हैं, फिर निकल जाता है। वो बोलने के लिए सर्जरी है, वो सर्जरी से डरना नहीं है, बट वो एक छोटी माइनर सर्जरी होती है, आधे घंटे के अंदर अंदर दोनों दांत बाहर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ ये चीज है कि भाई इसमें देखो मसूड़ा हटाएंगे, हल्की बोन ट्रिम करेंगे, ऑब्वियसली इसमें हमें सूचर्स देने पड़ेंगे स्टिचेस, जो कि 7 दिन के बाद कट कर देते हैं। स्टिचेस खाली इसलिए दिए जाते हैं ताकि हीलिंग जल्दी हो जाए। अब अगर आप मसूड़ों को सिल दोगे ना तो जल्दी जख्म भर जाता है, बस ये चीज है, ठीक। वो नहीं सोचना कि जैसे पहले होता था कि वो टाके लगेंगे, वो चीज नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। अब दो निकलेंगे, आइडियली जो प्रॉब्लम हो तो एक निकलने से ठीक हो जाएगी, लेकिन जो नीचे वाली विजडम टूथ है वो टेढ़ी है और उसकी वजह से जो आगे वाला दांत है ना उससे वो खराब हो रहा है, तो जब तक उसको नहीं निकालेंगे आगे वाले दांत पे प्रेशर लगाती रहेगी और उसको खराब कर देगी। विजडम टूथ तो देखो एंड ऑफ द डे हम आज ना निकलवाए 2 साल बाद निकलवाना पड़ेगा, बट उससे जो पहले वाले दांत है वो तो हमें चाहिए ना, तो खाने के काम आएंगे। हाँ, मतलब ये पुश कर दिया ना तो आगे भी यहां तक करवाना तो है, जितना जल्दी करा लो उतना बढ़िया है। जैसे मान लो सपोज करो इसमें ज्यादा पेन हो जाए फिर वो मजबूरी में कराना पड़ता है, और गुनगुने पानी नमक के कुल्ले करो जितने ज्यादा हो सकता है, दिन में 5-6 बार, उससे जो ना मसूड़े की सूजन बहुत जल्दी बैठेगी। कोई करने लग रही और दवाई देने लग रही है, वो एक्चुअली आप खाली पेन किलर ले रहे हो ना, उससे सर्जरी इंफेक्शन नहीं करता, ठीक है। आज दो दिन इतने ब्लॉक कौन बनाओगे? 2 दिन तक डॉक्टर साहब लोग कौन बनाएगा, फिर बात तो वही है ना, पंगा फंस गया। लोग जरूरी ना भाई, दांत ठीक कर अपने, वे तो बनते रहेंगे। अरे किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है ना आपको? नहीं, दवाई ले ली बस 2 घंटे के लिए आराम होगा। एंड सीवियरिटी कैसी है? एक होता है कि बहुत जैसे इतना ज्यादा कि जान निकल गई, एक होता मॉडरेट सा है, किस तरह का है? मॉडरेट ही है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा भी क्या, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं है और इतना कम भी। हाँ, मतलब ये कि आपको रेगुलर डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ, मुंह भी नहीं खुलता। जो पहले वाली है ऑगमेंटिंग, दिस इज एंटीबायोटिक, ये आपको दिन में 2 बार लेनी है, 1 सुबह 1 रात को, फॉर 3 डेज 3 to 6 tablets, ठीक है। सेकेंड वाली है पेन और स्वेलिंग के लिए, ये भी सेम इसी तरह से सुबह शाम 3 डेज के लिए 6 tablets। जो तीसरे वाली है वो विटामिन की है, कई बार ये होता है कि आप एंटीबायोटिक लेते तो उससे स्टमक डिस्टर्बेंस रहती है, तो वो ठीक करने के लिए ये खाली दिन में 1 बार लेनी है आपको 3 डेज के लिए, सुबह शाम वो आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है बस। और जो है ना मान लो सपोज करो जो पेट्रोल डीटी है वो खाली इमरजेंसी के लिए होगी, कई बार ऐसा होता है आपने रेगुलर दवाई ले ली फिर भी दर्द रह रहा है, रात को सो रहे हो अचानक से तेज दर्द उठ गया, क्योंकि दांत का दर्द रात को ज्यादा आता है, ठीक है। तो अगर ऐसी इमरजेंसी हो तो पेट्रोल डीटी 2 छोटी छोटी गोली ली और पानी में गोली ले ली, ऐसे भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बट ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर ये काम ना करे तो, ठीक है। अदरवाइज रेगुलर तौर पर आपको ये 3 ही लेनी है, ठीक है। परसों की जो है ना, कल या परसों की जैसा वो टाइम मिलेगा मैं आपको फोन करके, ठीक है। 5 तारीख की एक पार्टी, उसके बाद निकलें तब तक ये अगर मान लो सबसाइड हो जाता है तो तब ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है, आप मुझे जैसे आज दवाई लोगे ना 5 तारीख के बाद ही करवाओगे, फिर आप ऐसा कीजिए सुबह मेरे को कल एक बार बता देना कि कैसा क्या है रेस्पॉन्स, अगर आपको लगे कि ठीक थोड़ा सबसाइड हुआ है तो 5 तारीख के बाद कर लेंगे, बट आपको ये है कि भाई दिक्कत बनी रह रही है तो वी विल ट्राई कि बिफोर ही हो जाए उससे पहले, ठीक है। क्योंकि दांत के केस में क्या होता है ना, कई बार तो दवाई से आ रहा है एकदम से आराम आ जाता है और कई बार नहीं आता, भले ही आप कितनी दवाई ले लो, ठीक है। तो एक बार देख लेंगे, आप बता देना कल जैसा भी ठीक आप भाई फोन कर दियो, ठीक ठीक है। बाय बाय। सो गाइस, डॉक्टर के पास आ गए। डॉक्टर ने, मैं तो सोच रही थी एक ही दांत निकलेगा जो ये नीचे वाला है, लेकिन डॉक्टर ने बोला 2 निकलेंगे। ये नीचे वाले में दर्द नहीं है, ऊपर वाले की वजह से दर्द हो रहा है, जो ये जाड़ होती है ना, ये इस पे मसूडे पे आके टच कर रही है उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि नीचे वाली तो निकली हुई नहीं पूरी। तो अब उन्होंने बोला कि दोनों निकालनी पड़ेंगी। 2 दिन की दवाई दी है,
बाकी आराम हो जाए तो मतलब आराम निकलवानी तो है ही, बाकी आराम हो जाएगा तब तक। बाकी मौसी की सालगिरह भी है 25वीं और वहाँ पर भी जाना है तो कई चीज़ खा पी कर जब कड़वाओ भैया फिर जाने का मन ना करता ना, क्योंकि भाई कुछ खाना पीना है नहीं फिर फालतू में, यूँ ही है के जाना फिर तबीयत भी खराब है ना बोला जाना कुछ। तो मैं डॉक्टर तक कह गई हूँ 5 तारीख के बाद शेड्यूल करेंगे सर्जरी, तो तब तक डॉक्टर ने 3 दिन की दवाई दी है तब तक उससे आराम हो जाएगा। अब हम जाने लग रहे हैं घर पे, टाइम हो चुका और मजा देख रहा है। करूँगी यार गर्म पानी के और नमक के और दवाई दूंगी अच्छे थे, ये नहीं था कि मतलब ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन मेरे को मैंने एक बार पहला दिखाया था शादी था पहला, जब उन डॉक्टर ने ऊपर की जाड़ का कुछ ना बताई थी, नीचे का बताई थी कि हाँ निकलवानी तो पड़ेगी और डाके भी आएंगे, तो इसलिए थोड़ा पोस्टपोन कर दी। तो अभी 2 दिन दवाई खाते हैं, देखते हैं कितना आराम होता है। ठीक है तो चलते हैं घर पर। लड्डू तो तुम्हें लेकर जाओगे थोड़ी देर बाद में, छोटा बच्चा मतलब न्यू बोर्न थोड़ी है, न्यू बोर्न थोड़ी है बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम मामा कह रहे हैं आप अपने बच्चे से नहीं मिलके जाओगे आशीष, कैसे पिता हो आप कैसे पिता हो आप जो अपने बच्चे मैं मिलने चला गया ना, क्यूट बेबी से मैं मिलने चला गया ना, मैं 10:30 बजे घर आ जाऊंगा। नहीं 5-10 मिनट मिलकर चले जाना ना, मैंने चाय पी लेना प्लीज। चलो ना लेट हो रहा, 9 बज रहे हैं शादियां मत अभी तो लेट आया करो, कोई ना देखेंगे चल। चलो गाइस घर पे, चलो बाय बाय। नहीं आ रहे हो आप पर धान तो जाना, ठीक है ले ले तू पहला। हाँ ले लूंगी, जानबूझ कर दबाया ना आपने मेरा गाल, दर्द होता है कि मेरे। चलो बाय, ध्यान तो जाइयो, फोन कर देना और पूछते बाय। मम्मी पापा कहेंगे ऊपर क्यों ना लेकर आई, कोई ना बाय। सीरे भाई दर्द है जाओ मैं ठीक है भाई बाय।